काफ़ी बेहतर है। तो दीपिका से मैं आपको मिलवाता हूँ, उससे भी आपकी बात, मतलब आप वो भी कुछ बोलेगी क्यों? हाँ जी कहिए कहिए। कुछ नहीं, अभी ठीक हूँ। अभी मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ठीक हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन है, बट वो हीलिंग पीरियड तो होता ही है 6 से 8 हफ्तों का फॉर द यूट्रस। फाइनली फ्रेंड्स, दीपिका इब्राहिम के बारे में ये न्यूज़ वायरल हो रही है कि रूहान की बात उनका सेकंड प्रेगनेंसी थी और सेकंड प्रेगनेंसी में उन्हें 8 वीक्स का मिसकैरेज हो गया है। बट इसमें कितनी सच्चाई है ये तो दीपिका शोएब इब्राहिम ही बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने ब्लॉग्स में प्रेगनेंसी का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया था, तो मिसकैरेज का तो सवाल ही नहीं होता है। अब आप ही बताइए कि ये खबर कितनी सच है। अगर 8 हफ्ते का मिसकैरेज होता तो दीपिका इब्राहिम अपने ब्लॉग में ज़रूर बताती। अगर ऐसा है तो हम उनके लिए दुख करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी औलाद हमेशा अच्छी रहे। आप भी दुआ करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।